देखो पुष्पा, जी मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि अभी अभी मुझे पता चला है कि कोरोना की दूसरी लहर की जो मार है झेलने में हम सक्षम नहीं हैं, जी और इसलिए कंपनी बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकालने जा रही है, और जो बचे हुए होंगे वो लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे, जिससे ऑफिस की बहुत सारी एक्सपेंसेस लाइक इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, टेलीफोन्स बिल्स, ऑफिस एक्सपेंस, रेंट, ये सब भी खत्म हो जाएंगे। जी पर सर, ऑफिस का तो रेंट देना पड़ेगा ना, तो वो कैसे खत्म होगा? अभी हम ऑफिस खाली करने वाले हैं और ऑफिस का सारा सामान हम गोडाउन में रखवा रहे हैं, और इन सब में सबसे खास बात यह है कि जिन एम्प्लॉयज को रखना है उनका सिलेक्शन सिर्फ मेरे हाथ में है, तुम समझ रही हो ना क्या कह रहा हूँ? और हमारे सिलेक्शन लिस्ट में तुम सबसे ऊपर, समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? इसलिए तुम एक मेल टाइप करो कंपनी की ऑफिशियल आईडी पर, ये लिस्ट है उन सभी लोगों की जिनको निकाला जा रहा है, तुम उन सभी को ईमेल फॉरवर्ड कर दो, और इसमें लिखना कि उन सभी को छुट्टी दी जा रही है और जब तक कंपनी की कंडीशन ठीक ना हो जाए तब तक इन सभी लोगों को सैलरी नहीं दी जाएगी। इज दैट क्लियर? छुट्टी के दौरान अगर किसी को सैलरी चाहिए तो वो सब अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं, और ये वो लिस्ट है जिन्हें वर्क फ्रॉम होम करना है। ओके सर, ठीक है, गुड, जल्दी मेल टाइप कर दो। ठीक है सर, मैं कर देती हूँ। ओके, हेलो। हेलो, हाय पुष्पा, कहाँ है तू? हाँ बोल ना अरे कहाँ है यार तू? यार, मैं तो ऑफिस में हूँ, तू बता। ऑफिस में? रात में कौन ऑफिस में काम करता है? अरे पागल, आज हम लोग ना मस्ती करने के लिए जा रहे हैं, तो सोचा तेरे को कॉल कर लूं। मस्ती करने? मतलब जा कहाँ रहे हो? अरे पुष्पा डार्लिंग, तेरे को लगता कुछ पता ही नहीं है क्या? अरे वही मूवी देखने। यस। अरे यार मैं नहीं जा सकती। क्यों क्यों क्यों, क्या हुआ? अरे वो क्या है ना, वो जो हमारे बॉस है ना, उन्होंने बहुत काम दिया है यार। अच्छा। उन्होंने सारे ये एम्प्लॉय को ना ईमेल करके देना है। ठीक है, तो जब फ्री हो तब चलना है ना? हाँ हाँ हाँ, कभी फ्री रहूंगी तो चलूंगी। तुम बनाओ बॉस के साथ मूवी, हम जा रहे हैं मूवी देखने। क्या मूवी बनाएंगे यार, चल ठीक है, तू जा एंजॉय कर, बाय। चल बाय, टेक केयर। सबको मेल कर दिया पुष्पा? जी सर, बस थोड़ा बचा है। ओके, फिर ठीक है, यही आदत तो तुम्हारी सबसे अच्छी है, सारे काम बहुत फास्ट करती हो। अब देखो ना, इतनी जल्दी तुमने सारे एम्प्लॉयज को ये मेल कर दी। तुम्हारी जगह पता है और कोई होती कि सर एक रात में इतनी जल्दी सबको मेल में कैसे करूं? गुड, थैंक यू सर फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट नहीं पुष्पा, यू डिजर्व इट, बट तुम्हारी बात से मैं नाराज हूं। हम तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं और तुम हो कि हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। सर ये क्या कर रहे हो आप? अरे सर क्या कर रहे हो आप? छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो ये? कुछ नहीं पुष्पा, कुछ मत बोलो, अपनी नौकरी बचाने के लिए कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, वरना तुम जा सकती हो, मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा।
एक बार फिर सोच लो, कोरोना काल और सिलेक्शन लिस्ट मेरे हाथ में है। ओके सर। चिड़िया फंस गई मेरे जाल में, अब शिकारी लेगा मजा। आज इतना लेट आई हो? कल ज्यादा थकान हो गई थी क्या? वो क्या है ना सर, रात में जो मेहनत की है इतनी, उसका फल तो मिलना चाहिए ना। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि कल रात हमने जितनी मेहनत की है ना, उसका सारा वीडियो बना लिया है मैंने। सोचा कि आपको दिखा दूं, देख लीजिए। अच्छा है ना? बोलिए सर। मतलब तुम मुझे यहाँ ब्लैकमेल करने आई हो? सीधे सीधे ये वीडियो डिलीट कर दो, वरना तुम्हारी लाश भी ना किसी को नहीं मिलेगी। सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए सर। हंस क्यों रही हो? आपने क्या ये फालतू के फिल्मी डायलॉग समझ करके रखा है? सर अब अपनी इज्जत बचाइए, सोशल मीडिया का टाइम है, थोड़ी ही देर में वायरल हो जाएंगे आप, और जो आपके ये सारे एम्प्लॉयज हैं ना, उनको कहीं आके आपके ही घर पर रहना ना पड़े। अगर मुझे कुछ हुआ तो इसकी एक कॉपी मैंने कहीं और छुपा के रखी है, वो भी वायरल हो जाएगी, फिर आप ना घर के रहेंगे पुष्पा, ना घाट के। चाहती क्या है वो बता। अब की ना काम की बात तो सुनिए, मुझे कंपनी की टर्मिनेटर लिस्ट में डाल दीजिए और बदले में 20 लाख रुपए दीजिए, ताकि मैं खुद का कोई बिजनेस चालू कर सकूं। बहुत हो गया दूसरों की नौकरी करते करते, और वो भी कैश चाहिए कैश। ठीक है पुष्पा, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, इतनी बड़ी रकम वो भी कैश अरेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, आपके पास 3 दिन का टाइम है, कर लीजिए। आओ, कैश रेडी है, वीडियो दो। पहले कैश दो फिर वीडियो लो। पुष्पा ये ले अपना।